विस्तार से। मंगलवार को आदित्यपुर पुल से एक 17 वर्षीय युवती के नदी में कूद जाने से अफरा तफरी मच गई। कुछ जाबाज युवकों ने नदी में कूदकर उसकी जान बचा ली है। मंगलवार को सुबह लगभग 11 बजे आदित्यपुर पुल से एक 17 वर्षीय युवती अचानक रेलिंग पर चढ़कर नदी में कूद पड़ी। घटना से सब हतप्रभ रह गए। तभी कुछ स्थानीय युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए नदी में छलांग लगा दी और समय रहते युवती को बचाकर किनारे ले आए। उसके बाद उसे कांतिलाल गांधी अस्पताल स्थित मेडिका में उसे भर्ती कराया है। उसने अपना नाम गीता बताया है और वह गमहरिया स्थित सातबोनी गांव की रहने वाली है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। हम लोग दूर से पुल की तरफ से देख रहे थे, डूबते हुए। और हम लोग दो आदमी का, तीन आदमी, 10 आदमी का बोल रहे, देख भाई उसको बचाओ नहीं तो मर जाएगा, है ना। तो दो आदमी कूदने के बाद उसको स्थाई लगा के दो आदमी लाया, फिर हम लोग पकड़ गए उसको, फिर ला करके हॉस्पिटल में दो आदमी एडमिट कराया दोनों हम से। क्या हॉस्पिटल में एडमिट कराया? कांतिलाल दीपा देवी, ग्राम सतबहनी की है। यहाँ पर कारण पता चला? अभी तो उतना नहीं बोल पा रही, अभी इलाज चल रहा है। कौन लोग इसको बचा? ये तो वहाँ पर आसपास के लोग थे, वो लोग लाए हैं। आप लोग लाए हैं? हम तो बोले करबला के सामने। तो ये लोग आम पब्लिक लाना किसी का भी है तो उसके लिए हम लोग इन लोगों को कोई तरह के ये लोग लाए हैं, यहाँ रख दिए। अब इसकी इलाज चल रही है, उसके गार्जियन को देखा जा रहा है। अगर कैसे अगर एड्रेस देती है तो उसको गार्जियन है उसके परिवार को खबर किया जाए। MGM मेडिकल कॉलेज में छात्रों द्वारा एक कर्मचारी की पिटाई के बाद कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ ने हड़ताल कर दिया है। MGM मेडिकल कॉलेज के एक स्टाफ धीरज प्रसाद की सोमवार को किसी बात को लेकर कॉलेज के छात्रों ने पिटाई कर दी थी। इस बात से कॉलेज के अन्य नॉन टीचिंग कर्मचारियों ने मंगलवार को काम बंद कर कॉलेज परिसर में ही हड़ताल पर बैठ गए हैं। कल मेरे डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम चल रहा था 11 बजे से, दो शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट में एक स्टूडेंट जो सीनियर बैच का है और वो मैंने स्टूडेंट लोग को सीनियर बैच का स्टूडेंट है कुणाल शंकर, वो चोरी कराने के लिए या चिट पहुंचाने के लिए हमको बोले, लड़का को मदद करने के लिए। हमने इस बात से इनकार किया तो वह मारपीट करते हुए ऊपर से और कैंटीन तक ले गए आपको। हाँ, फिर आप लोग क्या कर रहे हैं आज? हम लोग प्रिंसिपल को लिख के दिए कि उचित कार्रवाई होना चाहिए। उसमें तीन मांग रखे हैं कि एक उसके गार्जियन को बुलाया जाए, प्रीफेक्ट से हटाया जाए, और तीसरा है कि 3 साल के लिए उसको क्लास से सस्पेंड। सामने एक प्री फाइनल ईयर का स्टूडेंट और फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट का एक सुरेश नाम का कर्मचारी है, उसके साथ कुछ आपसी विवाद बकचक हुआ। उसका कंप्लेन लेकर के आज दिन में हमको सुरेश ने लिख करके दिया है और कर्मचारी गण भी साथ में थे उसके। उनका कहना है जो उसको कुछ उसके साथ नोकझोंक किया है, ठीक है। और क्या परेशानी है कि तीन डिमांड उन लोगों ने, कर्मचारियों ने दिया। पहला तो दिया कि वो लड़का प्रीफेक्ट है उसको उससे हटा दीजिए, दूसरा उसके गार्जियन को बुलाइए, और तीसरा उस पर कुछ कार्रवाई की। तो कार्रवाई करने के लिए वो दोनों काम तो कर लिया, गार्जियन को खबर कर दिया, और कार्रवाई की जो बात है उसके लिए मैंने एक कमेटी बना दी है। हाँ, कमेटी 3 मेंबर का कमेटी है, इंक्वायरी करेगी, दोनों पक्ष का सुनेगी ना किस बात का झंझट हुआ, काहे झगड़ा हुआ, ठीक है। बस कार्रवाई तो मैंने कर दी। तो सर मानना है कि आए दिन इस तरह की हरकत करते हैं बच्चे। अब देखिए, जब ये घटना हुई है तो कर्मचारी का कहना है कि देखिए कुछ बातें वाजिब होती हैं, कुछ उसके अगल बगल की बात है, उस पर हम लोग बहुत ज्यादा जोर नहीं दे सकते। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत नदी के किनारे जुआ खेलने वालों को जब पुलिस ने खदेड़ा तो सभी नदी में कूद पड़े। मंगलवार को उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब गुप्त सूचना पाकर सीताराम डेरा थाना के अंतर्गत नदी किनारे जुआ खेल रहे करीब एक दर्जन युवकों को पकड़ने पुलिस पहुंची तो सभी ने नदी में छलांग लगा दी और भाग निकले। कुछ देर के लिए पुलिस भी पसोपेश में पड़ गई क्योंकि नदी में पानी बहुत है। इस अफरा तफरी में दो युवकों को पकड़ लिया गया है।
क्या बात है जी, कहेंगे कूदे थे नदी में? अरे कूदे नहीं, दौड़ा लेटरिंग कर रहे थे, हम लोग को पकड़ लिया। कौन दौड़ाया? सिपाही लोग। कहे के लिए दौड़ाएगा पुलिस? उधर जुआ हो रहा था, हम लोग लेटरिंग करने के लिए उतरे। आप ही जुआ खेल रहे थे? नहीं, देख लिया कहीं कुछ नहीं है। तो क्या नदी में कूद जाएगा यार तुम? अरे सबको दौड़ा रहा, सबका कूदने लगा था। गलत नहीं रहेंगे तो क्या हुआ जहांगीर भाई? आप यहाँ क्या कर रहे हो? कितना लोग खेल रहे थे तुम लोग? हम लोग नहीं थे सर। अरे कितना लोग खेल रहा था? बोलो खेल रहा था बहुत आदमी। कहाँ सब भाग गया? कोई लड़का को बुलाने आए थे। अच्छा नदी किनारे कहीं के लिए? काम था मेरे को, पैसा भाग गया। तो बताओ उन लोग जो खेल रहा था, ये जुआ खेल रहा था। अच्छा लोग आराम से चल गए और हम वहाँ पर देख के भाग गया था, हमको पकड़ लिया। हम थोड़ी ना भागे, हम नदी में कहाँ कूद गया तुम लोग? हम कहाँ कूदे सर, मेरा कितना लोग था पूरा टोटल? कितना लोग था? कितना लोग था? अरे भाई हम कहाँ, क्या जानकारी क्या मिली थी? हम लोग को यहाँ पर नीचे से बोला कि सर वहाँ बहुत संख्या में जुआ खेल रहा है। हम लोग गए वहाँ पर, कुछ टाइगर मोबाइल भी साथ में था। सपोर्ट किए हम लोग, सपोर्ट लिए टाइगर मोबाइल से, बोले कि चलिए देखिए वहाँ जुआ हो रहा है। तो सब काफी संख्या में 20-25 के संख्या में था, जिसमें कुछ लोग नदी में कूद के भाग गया। जो नदी में पकड़ाया दो गो, ये सब बाकी लोगों के पास कुछ समान पैसा सही बरामद हुआ है? नदी में था तो मान लीजिए कि पैसा बिक गया होगा नदी में, चाहे इसका तो पता नहीं। बरामद तो हम कुछ कुल कितना लोग खाए? लोग 20-25 के संख्या में सब भाग गया नदी में, भाग गया नदी में कूद गया। तब उसको क्या करते? शहर में 9 जुलाई को राज्य के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल डीजल के करों में वृद्धि के विरोध में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने उक्त निर्णय लिया है। पेट्रोल एवं डीजल के बिक्री कर बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग को लेकर झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 9 जुलाई को सूबे के सभी पेट्रोल पंपों को बंद रखने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सभी पंप बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो ज्यादा कठोर निर्णय लिया जाएगा। किया गया है पेट्रोल पंप पूरे झारखंड में पेट्रोल डीलर के द्वारा आहूत किया गया है बंद। इसमें पहला मुख्य बिंदु है कि पेट्रोल डीजल में जो टैक्स की बढ़ोतरी की गई है उसको तत्काल वापस लिया जाए, ताकि हम लोग सुचारू रूप से जो बिक्री है वो हमारी बनी रहे। और दूसरा अहम बिंदु है कि जो गवर्नमेंट सप्लाई जो दिया जाता है पेट्रोल डीजल का, उसमें पेमेंट को लेके बहुत असुविधा होती है, जिसमें हम अपने स्टॉक को सफिशिएंट नहीं रख पाते हैं, हमेशा विलंब होती है। तो उसको कम से कम साप्ताहिक रूप में उसको भुगतान किया जाए। तीसरा बिंदु है लुब्रिकेंट्स को लेकर, उसमें प्रथम बिंदु टैक्स ही लगाया जाए, ताकि हम लोग उस चीज़ को लुब्रिकेंट को बढ़ावा दे के अपनी सेल को सुनिश्चित कर सकें। और चौथा है, सबसे बड़ी है कि पेट्रोल पंप सुचारू रूप से चले लेकिन प्रशासन के तरफ से उतना मदद नहीं मिल पाता है। तो डीलर एसोसिएशन तरफ से मांग की गई है कि प्रत्येक पंप में एक सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए, ताकि आम दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, चाहे वो छोटी रूप में हो या बड़े रूप में हो। तो इसका असर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ साथ मालिक पर ही बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए हम लोग सुरक्षा का भी डिमांड करते हैं। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद करने को लेकर फिकरमंद जिला प्रशासन ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। शहर में चरमरा चुकी ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने मंगलवार को SSP, CTSP, SDO, ट्रैफिक DSP सहित अन्य अधिकारियों और JNAC के पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए एक एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसकी बागडोर CTSP चंदन झा को सौंपा गया है। शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको और इम्प्रूव करने की है। ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी है, हम लोग को इसको और बेहतर बनाना है, तो उसी में एक टास्क फोर्स बना है मेरे नेतृत्व में, CTSP के नेतृत्व में। और हम लोग इसमें वीकली मीटिंग करेंगे और फील्ड में भी उतर के हम लोग सभी लोग देखेंगे कि कैसे ट्रैफिक इम्प्रूव किया जा सकता है। मानगो डिमना बस्ती में हाई टेंशन तार टूटकर गिर जाने के बाद विरोध में बस्ती वासियों ने जमकर प्रदर्शन किया। मानगो डिमना बस्ती में हाई टेंशन ओवरहेड तार के टूटकर गिर जाने से अनिष्ट की आशंका को लेकर बस्ती वासियों ने सब स्टेशन कार्यालय में घुसकर विरोध प्रदर्शन किया। जैसे फोरफोटी वाला तार जो ऊपर में गिरा हुआ है ना, उसका पूरा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, पूरा भरभरा के आगे गिर रहा है, नीचे नीचे वाला तार गिर के पूरा घर में शॉर्ट हो जा रहा है। ऊपर में क्या डिमनावस्ती ऊपर टोला सीधा वाला रोड में, डिमनावस्ती ऊपर टोला सीधा रोड में। अच्छा क्या हो रहा है वहाँ पर? ही ऊपर में जो तार गिरा हुआ हाई हाई वोल्टेज वाला जो तार गिरा हुआ है, वो तार शॉर्ट सर्किट होकर पूरा आग गिर रहा है नीचे। वहीं दूसरी ओर
विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने की मांग को लेकर विकास सिंह की अगुवाई में भाजपाइयों ने सब स्टेशन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मानगो की ओर से, मानगो की जनता की ओर से बिजली विभाग में हम लोगों ने ताला बंद करने का काम किया है, क्योंकि बिजली विभाग का काम ही है सिर्फ बिजली का बिल लेना। उसके अलावे जनता की क्या तकलीफ है, बिजली कहाँ दिया जा रहा, बिजली की समस्या कहाँ है, उस पर किसी तरह का कोई बिजली विभाग का कोई ध्यान नहीं है। उनका मतलब है सिर्फ बिजली का बिल लेना। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बिजली ऑफिस में आकर ताला मारा है और उन्हें चेतावनी दी है कि पूरी तरह से मानगो में अगर बिजली नहीं दिया गया तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी बिजली विभाग में ताला मार के रखेगी जब तक कि मानगो में पूरी तरह से बिजली व्यवस्था सही नहीं किया जाए।